हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं BMW G310 RR। जैसे आपको पता है कि इंडियन मार्केट में अभी यह बाइक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और लोग इस बाइक को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस बाइक का कंप्लीट रिव्यू मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ कि क्या बाइक का प्राइस है, क्या बाइक में कलर ऑप्शन है, कैसा बाइक का इंजन है, कैसी बाइक की लाइट्स है, RR 310 के कंपेयर में क्या अलग है, ऐसी बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, तो सारी चीज़ें आज क्लियर होने वाली है। दोस्तों, ये जो बाइक है ना भाई, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो में देख पा रहे हैं तो एक बार आप इसे शोरूम जाकर ज़रूर देखना, क्योंकि यार रियलिटी में देखने में और वीडियोज़ में देखने में कलर ऑप्शन में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो एक बार प्लीज़ शोरूम आकर ज़रूर विजिट करके इस बाइक को देखना मेरे भाई, और टेस्ट राइड फ्री है, आराम से आइए, थोड़ी बहुत टेस्ट राइड भी इस बाइक की ले लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को ऑन करना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोस अपडेट रह सके। तो ये तो दोस्तों बाइक का कलर ऑप्शन एंड प्राइस के बारे में हो गया। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में एंड अदर स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेंगे इस बाइक के ग्राफिक्स के बारे में कि ग्राफिक्स में आपको क्या क्या हाईलाइट चीज़ें जो है आप लोगों को इस बाइक में देखने को मिल जा रही है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आप लोगों को BMW की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है, जो कि BMW का लोगो है। यहाँ पे आपको G310 की RR की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है। G310 एक छोटा सा लिखा हुआ है, RR आप लोगों को जो है बड़े अल्फाबेट्स में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको रेस की भी ब्रांडिंग देखने को मिल रही है, यहाँ पे आपको BMW की ब्रांडिंग देखने को मिल जा रही है, और ऑब्वियसली बात है भाई BMW नाम ही काफ़ी है। एंड भाई दोस्तों रियर में देखेंगे तो रियर में आपको यहाँ पे G310 RR की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। साथ में इसमें टैंक में भी आप लोगों को यहाँ पे G310 RR की जो ब्रांडिंग है इस बाइक में देखने को मिल रही है, और यहाँ पे आपको एक BMW की 3D टाइप की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है। भाई TVS में यहाँ पे सेम में आपको TVS की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, RR की ब्रांडिंग देखने को मिलती है जहाँ तक मुझे याद है। तो कहीं ना कहीं BMW ने कोशिश किया है कि इस बाइक को पूरी तरीके से BMW में उतारा जाए और पूरी तरीके से BMW में कन्वर्ट किया जाए, ताकि यहाँ पे आपको ये बाइक देखने को लगे तो भाई ये पूरी की पूरी BMW है। तो इस बाइक को ऐसे बनाने की पूरी तरीके से कोशिश की गई है BMW की तरफ से। तो बाकी आपको ग्राफिक एंड कलर ऑप्शन इसका कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में कि क्या इंजन आप लोगों को इस बाइक में देखने को मिल जाता है। दोस्तों बता दूं आप लोगों को इस बाइक में इंजन टाइप में वाटर कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 4-वॉल्यूम 2 ओवरहेड कैमशाफ्ट, मतलब कि डुई ओएससी इंजन आपको इस बाइक में मिल जाता है। मतलब कि इसमें आपको जो इंजन दिया गया है TVS की तरह, सॉरी यार BMW की तरफ से, वो बहुत ही बेहतरीन इंजन आपको इस बाइक में मिल जाता है। दोस्तों इस बाइक पे 312.12 cc का जो इंजन यूज़ किया गया है, ये क्या हो गया, आधा इंग्लिश और आधा हिंदी, अच्छे से बोलते हैं। 312.12 cc का जो इंजन है वो यूज़ किया गया है BMW की तरफ से। मैक्सिमम पावर में अराउंड 34 PS के आसपास का पावर है, जो कि 9700 RPM में पावर जनरेट करता है। एंड मैक्सिमम टॉर्क में 27.3 Nm का जो टॉर्क है वो आपको बाइक में मिलता है, जो कि 7700 RPM में पावर जनरेट करता है। मतलब कि BMW में यार आपको जो पावर मिल रही है G310 RR में, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। और आपको बता दूँ ये सेम वही पावर है जो इनकी G310 RR में भी आती है, क्योंकि इंजन सेम है, बस इस बाइक का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अलग देखने को मिल जाता है। अब जैसे आपको पता है दोस्तों इस बाइक में आपको राइडिंग मोड्स मिलते हैं, तो इसमें आपको राइडिंग मोड्स के हिसाब से पावर भी अलग मिलेगी। अगर आप स्पोर्ट्स एंड ट्रैक में चलाएंगे, मतलब प्रकार के चलाएंगे, तो 34 PS के आसपास की पावर मिलेगी। एंड वहीं अगर इस बाइक को अर्बन एंड रेंज मोड में चलाएंगे तो लगभग 25.88 PS के आसपास की पावर ये बाइक जनरेट करेगी। मतलब भाई पावर कट वाला राइडिंग मोड्स है, यही काफ़ी इंपॉर्टेंट राइडिंग मोड्स होता है। साथ में आपको बाइक में फ्रंट में BMW की ब्रांडिंग इस बाइक में मिल जाती है, देख पा रहे हैं। इस बाइक में दोस्तों आपको नंबर ऑफ 6 स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिल जाते हैं। साथ में आपको पता है दोस्तों कि इस बाइक में आपको स्लीपर क्लच भी देखने को मिलता है, जिस वजह से आप लोगों को इस बाइक की जो गियर शिफ्टिंग मिलेगी वो बहुत ही बेहतरीन मिल जाएगी। एंड ऑब्वियसली बात है दोस्तों इसमें थ्रॉटल सिस्टम जो है वो आप लोगों को इलेक्ट्रोमोटिव थ्रॉटल कंट्रोल मेड ऑफ, भाई बहुत सारा बड़ा सा नाम है, सीधी सी बात बोले राइड बाई वायर बोलते हैं KTM की तरफ से, कि मतलब अगर आप एक्सीलेटर लेंगे तो इसकी जो मतलब वायर होती है वो सीधे इसकी ECU से कनेक्ट होती है, और इसी वजह से इस बाइक की जो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा थ्रॉटल रिस्पॉन्स वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, और इससे बाइक की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। बोर साइज़ 80mm, स्ट्रोक साइज 62.1mm के आसपास की बाइक में मिल जाती है। तो ये तो दोस्तों बाइक का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन हो गया।
बात कर लेते हैं इस बाइक के माइलेज के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में कि क्या माइलेज आपको ये बाइक निकाल कर देगी। ये बाइक आपको अराउंड 30 से 35 के आसपास का जो माइलेज है वो निकाल कर आपको दे देगी। डिपेंड करता है आपकी राइडिंग स्किल पे, क्योंकि हर किसी का राइड करने का तरीका जो होता है भाई वो थोड़ा सा अलग होता है। एंड टॉप स्पीड अराउंड इस बाइक की 160 किलोमीटर पर आवर स्पोर्ट्स एंड ट्रैक मोड में, अर्बन एंड रेड में 125 किलोमीटर पर आवर के आसपास की, एंड 0 to 100 में इस बाइक को लगभग 7.17, जी हाँ मतलब 7.17 सेकेंड में यह बाइक 0 to 100 ईजिली जा सकती है। तो ये तो बाइक का कंप्लीट हो गया इंजन पावर एंड माइलेज एंड परफॉर्मेंस। बात कर लेते हैं इस बाइक के और भी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले देख पा रहे हैं इस बाइक के सस्पेंशन। फ्रंट में आप लोगों को बाइक पे USD फॉक्स सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे सस्पेंशन है। और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये साइज़ जो है इसकी 41mm है, मतलब सस्पेंशन का साइज़ काफ़ी बड़ा है आप कह सकते हो। और अगर टायर्स के बारे में बात करें तो फ्रंट में आपको इसमें 110/70 के टायर देखने को मिलते हैं, जो कि मिचलिन के टायर है, R17 मतलब 17 इंच का इसका व्हील साइज़ है। और टायर जो है मिचलिन के मिल रहे हैं, काफ़ी प्रीमियम टायर है भाई, मिचलिन के टायर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होते हैं। बात करें अगर इसके ब्रेकिंग के बारे में, तो ब्रेकिंग में आपको बता दूं कि इस बाइक में आपको 4 पिस्टन कैलिपर देखने को मिलते हैं। 4 पिस्टन कैलिपर मतलब भाई ब्रेकिंग जो मिलेगी वो आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगी। साथ में प्लेट साइज़ की अगर बारे में बात करें तो अराउंड 300mm के आसपास की प्लेट साइज़ है। एंड बाइक में आप लोगों को डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। अब आते हैं दोस्तों इस बाइक की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ में, जो कि मुझे TVS की RR310 में भी पसंद था और ऑब्वियसली बात है इस बाइक में भी पसंद रहेगा। तो देख पा रहे हैं इस बाइक की लाइट्स। इस बाइक की जो लाइट है ना यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है मुझे, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसलिए पसंद है क्योंकि ये दिखने में तो बहुत प्यारी लगती है और इसकी जो विजिबिलिटी है वो भी आपको काफ़ी नेक्स्ट लेवल वाली देखने को मिल जाती है। अब इसकी लाइट्स देख पा रहे हैं, इसमें आप लोगों को डुअल LED प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिल जाता है, 1 and 2 प्रोजेक्टर लाइट। एंड यहाँ पे आपको DRL लाइट देखने को मिल रहा है LED। एंड अगर पास में, अभी ये लोबी में है, पास में आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो लाइट है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट आपको मिलती है। और भाई लिटरली बता रहा हूँ, जब आप इसे रात में देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा इसकी बाइक जो लाइट है वो अच्छी लगती है। टर्न सिग्नल लाइट भी आपको बाइक में जो है वो LED देखने को मिल जाती है। एंड भाई दोस्तों अब आते हैं इसके रियर में। रियर में सबसे पहले टेल लाइट देख पा रहे हैं, ये रियर टेल लाइट आपको इसमें देखने को मिलेगी, सेम एज इट इज़ आपको पता है। साथ में दोस्तों रियर में आपको जो टायर साइज़ मिलते हैं मिचलिन के 150/60 टायर देखने को मिलते हैं, लेकिन यह टायर बहुत प्रीमियम है। और प्लेट साइज़ ये 240mm की, 240mm की प्लेट साइज़ आपको इसमें रियर में देखने को मिलती है। ये इस बाइक का एग्जॉस्ट है और भाई काफ़ी गर्म है, चल के आई है, काफ़ी बड़ा एग्जॉस्ट आपको इसमें मिल जाता है, ठीक है। और अगर बात कर ले दोस्तों इस बाइक के रियर सस्पेंशन के बारे में, तो रियर सस्पेंशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसका नेम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है आई थिंक। कास्ट एल्यूमिनियम डुअल स्विंग आर्म सेंट्रल स्प्रिंग स्ट्रट सस्पेंशन मिलता है। कहने का मतलब यार कहीं ना कहीं वैसे ही काम करेगा जैसे मोनोशॉक सस्पेंशन काम करता है, बट रियर सस्पेंशन बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे आपको उसको। एंड बात कर लेते हैं इसके सीट्स के बारे में, तो स्प्लिट सीट आपको बाइक में मिलती है, 1 and 2 पार्ट में आपको सीट देखने को मिल रही है, देख पा रहे हैं। लेकिन सीट हाइट इसकी काफ़ी कम है, 1811mm, जी हाँ 811mm के आसपास की इसकी सीट हाइट है। यानी मान लीजिए आपकी हाइट अराउंड 5.2 से ऊपर है तो आप इसको राइड कर सकते हो। मेरी हाइट अराउंड है 5.4, और देखो ये देखो, मतलब सीट हाइट बाइक की काफ़ी कम है, और भाई ऐसी होनी चाहिए यार हम लोगों के लिए खासकर, ठीक है। और ये बाइक की टैंक है, टैंक साइज़ काफ़ी बड़ा दिखता है बट है नहीं यार, लगभग 12 लीटर 12 लीटर के आसपास की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। और टैंक देख पा रहे हैं कवर कैसा लगा है इसका मैसेज आकर। बात करते हैं इसके सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में, वो है इस बाइक का स्पीडोमीटर। सबसे पहले की देखते हैं, ये इसकी की है। एंड देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको छोटी सी BMW की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। ओके तो इसकी की ऑन करते हैं। ओके ये देखिए BMW का आपको सबसे पहले ब्रांडिंग मिलता है और किसकी स्पीडोमीटर भाई देख पा रहे हैं। लुकिंग वाइज मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतरीन आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलता है भाई। लुकिंग वाइज तो इसका स्पीडोमीटर की तारीफ करना पड़ेगा। मेरे पास खुद ड्यूक 390 है, उसकी भी स्पीडोमीटर बहुत प्यारी है, बट यार इसका जो एक थीम आप कह सकते हो ना, वो थीम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और फीचर्स आपको इतने सारे देखने को मिलेंगे कि मैं आपको बताते बताते थक जाऊंगा, ठीक है। क्या क्या फीचर्स है, सबसे पहले इसका फ्यूल इंडिकेटर है, ये आपको इंजन टेम्परेचर मिल जाता है। ये आपके गियर इंडिकेटर कितने प्यारे आपको देखने को मिल रहे हैं, 1, Newton, 2, 3, 4, 5, 6, ये इसके गियर इंडिकेटर है, ठीक है। साथ में आप लोग यहाँ पे टॉप स्पीड देखने को मिल रहा है, एवरेज स्पीड देखने को मिल जा रही है, जो कि आपको ऑब्वियसली बात है मोड्स में आपको देखने को मिलेगा मोड्स के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे आपको बैटरी इंडिकेटर मिलता है, ये स्विचेस हैं जिससे आप इसके स्पीडोमीटर को कंट्रोल कर सकते हो। देखते हैं क्या क्या है।
ये राइडिंग मोड्स है, अर्बन, रेड, स्पोर्ट्स एंड ट्रैक, फोर मोड्स मिल जाते हैं। ये ट्रिप स्पीड है, ट्रिप वन, ट्रिप टू, सॉरी ट्रिप डिटेल्स, माई व्हीकल में सर्विस है, ये परफॉर्म रिकॉर्ड है, माइलेज स्पीड है, लैप्स, और यहाँ पे आपको प्रिफ्रेंस देखने को मिलता है जिसमें आप डिस्प्ले में ब्राइटनेस, क्लॉक, डेट, डे एंड नाइट मोड ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। अभी फिलहाल ये ऑटो में है, नहीं मैनुअल में, सॉरी, ठीक है, ऑटो में करते हैं इसको, ये वाइट हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सारे फीचर्स, मतलब फीचर्स की इस बाइक में कोई कमी नहीं है, रेंज भी आपको बाइक में मिल जाता है। फीचर्स में दोस्तों आप देख पा रहे हैं, हजार्ड है जिससे आप फोर इंडिकेटर साथ में ऑन कर सकते हैं, पास स्विच है, यहाँ पे टर्न सिंगल लैप, ये बाइक का हॉर्न है, यहाँ पे आपको इंजन के सीट एंड सेल्फ स्विच देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल फीचर्स, लुक, सारी चीज़ें आपको बाइक में बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाती है। एंड वही अगर दोस्तों बात करें इस बाइक के कर्व वेट के बारे में, तो अराउंड 174 केजी के आसपास का इस बाइक का कर्व वेट आपको देखने को मिलता है। और अगर ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो अराउंड 180 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है आपको बाइक में मिल जाती है। तो ये था दोस्तों ब्रांड न्यू BMW G310 RR का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू। बाकी आपको ये बाइक कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।